बहन थे, पता नहीं कोई मर्डर केस उसमें वो चले गए थे। उस टाइम तो मेरी एक बेटी थी और दूसरी बेटी, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं था, होने वाले थे। हम पार्क में एक जगह जुआ खेल रहे थे बैठ के, ग्रुप बना के दो चार लड़के थे, हम जुआ खेल रहे थे। एक पुलिस वाले ने आके हमें वहाँ पे पकड़ा, तो उन्होंने मेरे को समझाया कि तुम गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर सकते हो। इस स्कीम में हमें बच्चों को ना सिर्फ उनको स्किल्ड करना है, ट्रेंड करना है, बट उनको हमें इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग रेडी करना है। रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो गई है, यहाँ के जो टीचर्स हैं वो हमें बहुत अच्छे से मतलब गाइड करते हैं। मैंने क्लास अटेंड करी, वाकई मेरे को लगा कि बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है। मम्मा ने भी काफ़ी बताया कि तुम्हारे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गई है, कि अब प्रोसेसिंग अच्छा हो गया पहले से। दे आर मोर करियर ओरिएंटेड है, उनको तीन महीने के अंदर इस प्रोसेस के अंदर उनको करियर के बारे में, अपनी ग्रोथ के बारे में थोड़ा सा उनको जागरूक किया गया है। प्रधानमंत्री जी के विजन को देखते हैं, कमिश्नर साहब के विजन को देखते हैं, तो वो उनको बहुत अच्छा लगता है एंड दे आर वेरी हैप्पी टू टेक देम। थानों से जुड़े ताकि बच्चे जब थानों में आए तो वो इस भावना से ना आए कि ये बुरी जगह है, कि ये जगह ऐसी भी है जो उनको जिंदगी में बदलाव लाने की मदद कर सकती है, तो इससे पुलिस इमेज भी इम्प्रूव होती है। शुरू करते हैं आपकी न्यूज। पिछले साल दिल्ली में हत्या, रेप और चोरी जैसे अपराधों में करीब 2300 नाबालिग बच्चों को पुलिस ने पकड़ा था। नाबालिगों को बड़े पैमाने पर अपराधों का हिस्सा बनते देख दिल्ली पुलिस ने एक शानदार पहल की है, जो आने वाले वक्त में क्राइम रोकने में मील का पत्थर साबित हो सकती है। दिल्ली में एक पुलिस स्टेशन है जो क्राइम करते बच्चों को पकड़ता तो है लेकिन सजा नहीं देता, बल्कि उन्हें सुधार कर नौकरी भी दिलवाता है। दिल्ली में कीर्ति नगर के पुलिस स्टेशन इलाके में 250 झुग्गी बस्तियां हैं, जहां जाने अनजाने अपराध की दुनिया से ताल्लुक रखने वाले नाबालिगों को थाने में ही वोकेशनल ट्रेनिंग करवाकर नौकरी दिलाई जाती है, ताकि इन बच्चों को जुर्म की दुनिया से निकाला जा सके। देखिए हमारी रिपोर्ट। इंग्लिश में जो मैं कभी किसी से बात नहीं कर पाती थी, किसी के सामने खड़ी नहीं हो पाती थी, किसी से कैसे बात करनी चाहिए, किसी के सामने कैसे कपड़े पहनने चाहिए। ये रंजना है, पति जेल में बंद है, उस पर हत्या का केस चल रहा है, जिसके बाद दो बेटियों के भविष्य की जिम्मेदारी रंजना पर आ गई है। क्या आप जानते हैं कि इस मुश्किल की घड़ी में किसने रंजना को जिंदगी की नई राह दिखाई है और उसे आत्मनिर्भर बनाया? शायद आप हैरान रह जाएंगे ये सुनकर कि रंजना को अपने पैरों पर खड़ा किया है दिल्ली पुलिस ने। उस टाइम तो मेरी एक बेटी थी और दूसरी बेटी, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं था, होने ही वाले थे। उसके बाद फिर मम्मी के घर मेरे को भेज दिया गया था, दूसरी बेटी होने वाली थी। तो वहाँ पे जब मैं गई तो मेरी फैमिली में इतने अकाउंट बैलेंस नहीं थे कि जो जाके मेरी मम्मी मेरा खुद का खर्चा उठा सके। तो मैं यहाँ पे आके देखी तो पहली बार तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि इतने में फ्री में कोई कोर्स, इतनी बड़ी हॉस्पिटैलिटी पढ़ाई, जिस तरीके से बच्चों को, मतलब हमें नहीं लगता था कि इतनी अच्छी स्कीम हमारे सामने आ जाएगी। ये रोहित है, आसानी से पैसा कमाने के चक्कर में जुए की लत लग गई तो घर से पैसे चुराना शुरू कर दिया। एक दिन जुआ खेलते हुए कीर्ति नगर थाने की पुलिस ने पकड़ लिया और उस दिन ने रोहित की जिंदगी बदल दी। आज कीर्ति नगर पुलिस की वजह से रोहित की आंखों में दिल्ली पुलिस में भर्ती होने का सपना है और कोर्स पूरा होने से पहले ही उसको नौकरी मिल चुकी है। जो मेरे कुछ दोस्त यार थे वो गलत थे। हम पार्क में एक जगह जुआ खेले थे बैठ के, ग्रुप बना के दो चार लड़के थे, हम जुआ खेले थे। तो पार्क में जब जुआ खेले थे तो किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म दे दी कि यहाँ पे लड़के जुआ खेल रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो एक पुलिस वाले ने आके हमें वहाँ पे पकड़ा, तो उन्होंने मेरे को समझाया कि बेटा देख, दोबारा मुझे ये चीज़ नहीं दिखनी चाहिए, तुम जुआ खेल रहे हो, करो तुम गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर सकते हो, यही तुम्हारी लाइफ इसी में, गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर सकते हो। तो उसके बाद मैंने
दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरा, उसके बाद दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरा, मैंने दिल्ली पुलिस का फिजिकल टेस्ट भी पास किया है। दिल्ली पुलिस ने युवा स्कीम के तहत नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑपरेशन और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के साथ हाथ मिलाया है और ये तीनों मिलकर यूथ को ट्रेनिंग देने से उनकी नौकरी लगने तक का इंतजाम करते हैं। इस स्कीम के तहत अपराधियों, अपराध से प्रभावित और जिनके कदम अपराध की तरफ बढ़ सकते हैं, ऐसे लोगों को अलग अलग कोर्सेज की ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत इस तरह का एक स्कीम था जिसमें के हम लोगों ने अपने पुलिस स्टेशन में इस तरह के सेंटर्स खुलवाए जहाँ पे कि निशुल्क बिना किसी पैसा खर्चे बच्चों को 3-3.5 महीने विभिन्न चीज़ों में ट्रेनिंग दी जाती है और उसमें उसके बाद उन्हें एक सर्टिफिकेट मिलता है और एक जॉब मिलती है। इसकी शुरुआत इसी साल 29 अगस्त को हुई थी। शुरुआत में दिल्ली के 8 थानों को इसमें शामिल किया गया, लेकिन कीर्ति नगर का थाना इसमें अव्वल है। यहाँ स्टूडेंट्स को कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर ऑपरेटर, इंग्लिश स्पीकिंग, होटल मैनेजमेंट, मोबाइल फोन रिपेयरिंग और फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जा रही है। कीर्तिनगर थाने में अब तक 2 बैचेज में 500 बच्चों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है, जिसमें से 250 बच्चों को नौकरी मिल चुकी है और बाकी बच्चों की प्लेसमेंट का काम जारी है। इतना ही नहीं, तीसरे बैच के 250 बच्चों का कोर्स खत्म होने से पहले ही 136 बच्चों को अपॉइंटमेंट लेटर मिल चुका है। फर्स्ट स्टैंड पे उनको ये लगता है कि शायद पता नहीं हम क्या उनको बैकलॉग देंगे या क्या उनको ग्रुप देंगे काम करने के लिए, बट जब वो हमसे इंटरेक्ट करते हैं, जब वो उन बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, जब उनका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस देखते हैं, हमारी मेहनत को देखते हैं और फिर हमारे कॉज को देखते हैं और प्रधानमंत्री जी के विजन को देखते हैं, कमिश्नर साहब के विजन को देखते हैं, तो वो उनको बहुत अच्छा लगता है एंड दे आर वेरी हैप्पी टू टेक देम ऑन अ वेरी कॉम्पिटिटिव मार्केट रेट्स। नौकरियों के लिए इंटरव्यू करने के लिए आने वाली कंपनियों को पहले हिचकिचाहट जरूर होती थी, लेकिन अब उन्हें इस बात पर गर्व होता है कि ये किसी दूसरी जगह से कोर्स करने वाले बच्चों से कहीं ज्यादा मेहनती हैं और अपने काम के प्रति ईमानदार हैं। सब ब्रेक यहां लेते हैं, फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।